2017 में क्या नोटबंदी का असर कम होगा? क्या इंडिया अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगी? आपकी ओवरड्यू प्रमोशन क्या इस साल होगी? आइए देखते हैं एस्पर न्यूमरोलॉजी कैसा होगा 2017 यानी कि नया साल हम सब लोगों के लिए। अगर आप 7, 16 या 25 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको क्रिएटिव नेपच्यून या केतु गवर्न करते हैं। धार्मिक क्षेत्र और दुनियादारी दोनों के बीच में आप जगल करोगे विद वन लेग ऑन द मटेरियल साइड द अदर्स ऑन द नॉन मटेरियल साइड। और आने वाले कुछ महीनों की मेहनत इट विल टेक यू अहेड बाय एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स, सो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड नाउ। लव या पर्सनल लाइफ में सुधार ला पाओगे लेकिन नॉट विदाउट एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। रिमेंबर इट इज अ टू वे स्ट्रीट। अगस्त के बाद फाइनेंसेस और भी ठीक होंगे, तब तक आपको जंग अकेले ही लड़ने पड़ेगी। वैसे भी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीबॉडी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बेटर रिलेशनशिप, बेटर पार्टनरशिप और कलीग्स का सपोर्ट भी आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। हेल्थ टिप्स, क्योंकि आपका माइंड नंबर 2 के मून के गवर्न लोगों की तरह चंचल है, तो माइंड को हैप्पी रखिए ऑल्टरनेट रेमेडीज के साथ में। पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव लोगों के साथ में जुड़ोगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। कैट्स आई यानी कि लसुनिया एक अच्छा रतन है आपके लिए। अगर आप 8, 17 या 26 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको न्याय के देवता सैटर्न या शनि द लॉर्ड ऑफ जजमेंट गवर्न करते हैं। 2016 के साथ अगर आप ना खुश थे तो 2017 में स्लेट साफ करने का मौका आपको मिलेगा, एक नहीं काफी बार। दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से खुलकर पेश आएंगे तो वो भी आपको समझ पाएंगे और आपका स्ट्रेस भी रिलीव होगा। यू कैन देन परफॉर्म बेटर। नंबर 1 सूरज ये साल से आता है और आपका नंबर 8, दे आर लाइक अ फादर एंड सन रिलेशनशिप जो कभी खट्टा कभी मीठा भी हो सकता है। तो टारगेट्स अगर कंप्लीट करना है तो एंड मोमेंट तक ना रुके, ट्राई टू फिनिश इट अराउंड हाफ वे और अ लिटिल आफ्टर हाफ वे। जुलाई के बाद गाड़ी और भी तेजी पकड़ेगी। फ्रेंडशिप और लव के क्षेत्र में भी ट्राई टू कम आउट इन द ओपन, ट्राई टू कम आउट ऑफ द शेल, यू विल सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट देयर। हेल्थ टिप्स, ट्राई टू स्लीप वेल, अर्ली टू बेड शुड बी द मंत्र। इससे आप डिस्ट्रेस हो पाएंगे विच विल वर्क बेटर फॉर यू, क्योंकि आपके मोबाइल की तरह आपको भी रिचार्ज होना जरूरी है। अगर आप 9, 18 या 27 तारीख के बॉर्न हैं तो आपको फायरी रेड हॉट मार्स या मंगल गवर्न करते हैं। नंबर 1 का साल है ये एंड 9 आपका नंबर, दे आर पोल्स अपार्ट, कॉमन थिंग बीइंग बोथ आर हॉट एंड फायरी, इसीलिए आपके एग्रेशन और इंटेंट को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा भी नहीं रहेगा। आपके ईगो को थोड़ा बैकसीट देना, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेयर्स। आपके कर्म और मेहनत आपकी नैया पार कराएंगे। टाइम फ्लाइज एंड इट विल फ्लाई फास्टर इफ यू कीप योरसेल्फ वेरी बिजी। जो लोग अपने जॉब या बिजनेस से ना खुश है उन्हें जल्दबाजी में आके कोई रैश स्टेप नहीं उठाना है, ऐसा ना हो कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर चले जाएं आप। सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं आप, तो सोशल सर्विस में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार रहें और रोमांस या रिलेशनशिप के क्षेत्र में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहें। हेल्थ टिप्स, फिजिकल फिटनेस यानी कि वर्कआउट से आपको काफ़ी हेल्प या राहत मिलेगी। एज इट इज यू नंबर 9 आर फिटनेस फ्रीक्स। माइनर एक्सीडेंट्स का आपको हावावर ख्याल रखना है, अवॉइड रैश ड्राइविंग। मूंगा यानी कि रेड कोरल एक जेम है जो इस विषय में आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और अगर आप न्यूमरोलॉजी बफ्स हैं और जानना चाहते हो अबाउट दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी तो यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट jumani.com, jumani.com। मुझसे दोस्ती अगर करना चाहते हो यू कैन ऐड मी ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर। द हैंडल वुड बी संजय बी जुमानी, SANJAYBJUMAANI। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। उन्हें भी 2017 के टिप्स का फायदा उठाने दीजिए। एंड ईयर्स विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। बी हैप्पी एंड हेल्दी।